सो फाइनली गाइस यहाँ पर सनफ्लावर सीजन 2 आ चुका है और मैंने यहाँ पर कल देखी, अगर मैं बात करूँ तो पूरा एक से डेढ़ दो दिन चला गया। मैं सोचा था कि कल आई ये सीरीज कल ही रिव्यू कर देते, बट ऐसा नहीं हुआ। लगभग कुछ इसके जो 8 एपिसोड्स आए हैं लगभग टोटल मिला के 5 घंटे 6 मिनट के आसपास हुआ है, ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे करके कंप्लीट किया और फाइनली मैं आप ये रिव्यू बना पा रहा हूँ। अगर बात की जाए तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसा है ये इसका सीजन 2। सीजन 1 की हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे क्रिकेट टाइप से, फिर हम लोग जल्दी से सीजन 2 की रिव्यू करेंगे और बताऊंगा कि कैसा क्या सीजन, वो हिट है नहीं है, सब बात करेंगे और देखते हैं कि कैसा क्या लगी मेरे को वेब सीरीज। वहीं पे बात की जाए तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, वीडियो को भी से कर दो लाइक, चैनल पे नए तो प्लीज कर दो, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दो, एक सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है तुम्हारा, कर दो ना सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बिना टाइम आज की अमेजिंग सी वीडियो को हम लोग करते स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर सबसे पहले बात की जाए तो सीजन 2 की शुरुआत यहाँ पर, अब कुछ 5 से 10 मिनट का एक रिकैप दिखाया जाता है जो सीजन 1 में हुआ, कैसे क्या मर्डर हुआ, एक अपार्टमेंट में मर्डर हो गया है। उसके बाद हमें बताया जाता है सीजन 1 में कि एक अपार्टमेंट में मर्डर हुआ, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू किया, अलग अलग लोगों पर शक हो रहा है उनको। अगर बात की जाए तो अपने यहाँ पर मेन जो लीड एक्टर है, अगर बात की जाए तो सुनील ग्रोवर यहाँ पर सोनू सिंह का किरदार निभाते आए हैं, ठीक है। तो उन पर जा रहा है शक, दूसरे कैरेक्टर पर जा रहा है कैयर जी करके, उन पर शक जा रहा है, हर किसी पर शक जाते जा रहा है, ये सीजन 1 में वो था। बट सीजन 2 की अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत होती है रिकैप से, 5-10 मिनट का रिकैप एंड देन यहाँ पर सीजन 2 की शुरुआत होती है। तो इसमें दिखाया गया यही कि क्या कुछ आगे केस बढ़ा, आई मीन जो सीजन 1 में था यहीं पे सीजन 2 में उस स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है, और जब सीजन 2 में दिखाया गया कि क्या कुछ होता है यहाँ पर। अगर बात की जाए कि कैसा क्या है ये सीजन 2, एक वर्ड में रिव्यू करने बोला जाए तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई दिमाग हिला के रख दिया, सही में दिमाग हिला के रख दिया। आई मीन देखो बहुत समय बहुत कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट्स इस सीरीज़ में वेब सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये मूवी ना एकदम ज़्यादा जो अपने प्लॉट पे है उस पर घूमती है। आई मीन कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जहाँ पे आपको एकदम लगेगा भाई ये मर्डर हो सकता है, ये मर्डर, क्योंकि पूरी ना इसके सीजन 1 में भी यही हुआ था कि आप कंफ्यूज थे कि मर्डर कौन है, सीजन 2 में भी यही हुआ है और ये चीज़ हमें और अच्छी देखने को मिली। आई मीन सीजन 1 में तो थोड़ा प्लॉट से ऊपर नीचे ज़्यादा जा रहे थे, इस बार उस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करके रखा है, थोड़ा कम करके रखा है। बट तब भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं तब भी ये जो सीरीज़ है कुछ प्लॉट्स में आते आते ना ऐसा हो जाता है कि एक समय पर आपको लगता है कि यार सीज़न को ना खींचा जा रहा है, आई मीन लेजिट इस सीरीज़ को खींचा जा रहा है। जो काम थोड़े कम एपिसोड्स में हुआ कर किया जा सकता था उसको तब भी यहाँ पर खींच के 8 एपिसोड्स तक ले गया है, आपको फील आता है ये। बट तब भी अगर बात की जाए तो सीरीज़ बहुत ही अच्छी है, 1 वर्ड में देखा जाए तो सही में दिमाग हिला के रख देगी। आई मीन सस्पेंस जो है वो अभी भी नहीं खुला है, एंड का सीजन हो गया, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दे रहा बट मैं यही बता रहा हूँ कि सीजन 2 में भी जो आपको मर्डर का पता चल गया, भाई कौन मर्डर किया आपको पता चल चुका है, बट यहाँ पर कुछ जो ठेस सबूत बोलते हैं ना प्रूफ यहाँ पर पुलिस के पास नहीं है। और एंड कैसे, मेरे को एंड थोड़ा अजीब सा लगा, बट अगर बात की जाए तो एंड एक ऐसे प्लॉट पे एक ऐसे मोमेंट पे किया गया ना एंड कि ऐसा लग रहा है कि अब सीजन 3 आएगा, बट सीजन 3 आएगा क्योंकि देखो सीजन 2020-21 में आया था, अब सीजन 2 की बात की जाए तो सीजन 2 लगभग 2.5 से 3 साल बाद आया, तो क्या हम इसका मतलब ये समझे कि इसका सीजन 3 अगर आएगा तो वो भी 2.5-3-4 साल बाद आएगा। अब देखो भाई जो मेकर्स की मर्जी। वही बात की जाए तो सभी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ने बहुत अच्छा काम किया है, जो लीड एक्टर है अपने सुनील ग्रोवर, उनका काम, उनकी एक्टिंग, उनकी हर एक सीन में परफेक्शन देखने को मिला है। उनकी एक्टिंग को आउट ऑफ 10 कोई भी बंदा 11 दे सकता है, इतनी अच्छी एक्टिंग करके दिखाई। वही बात की जाए तो अदा शर्मा हमें इस सीजन 2 में आते दिखिए, नॉइज आ रहा होगा तो मुझे माफ करना थोड़ा। अगर बात की जाए अदा शर्मा की तो इन्होंने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन क्या एक्टिंग पे ना नज़र कम जा रही थी, उन पर ज़्यादा नजर जा रही थी क्योंकि इतनी जोरदार लग रही थी, मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। वहीं पर बात की जाए तो बाकी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों पुलिस इंस्पेक्टर्स डीजी और जो एक और उनके साथ थे उन दोनों की भी एक्टिंग लाजवाब है, बहुत अच्छी लगी। हर एक्टर ने एंड एक्ट्रेसेस ने बहुत ही जोरदार काम किया और सबकी एक्टिंग यहाँ पर रियल लगती है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई ओवर एक्टिंग हो रही है, कहीं भी एक भी सीन ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपको लगे कि ये एक्टर या ये एक्ट्रेस, आई मीन साइड एक्टर सब ने अच्छी यहाँ पर काम किया। वही बात की जाए तो स्टोरी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा गया, कुछ एक दो सीन्स ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको लगे कि स्टोरी भटक रही है अपने प्लॉट से, बट यहाँ पर तब भी ये सीरीज अच्छी लगती है आपको। वहीं पर बात की जाए कुछ कॉमेडी सीन्स है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप सही में हंसते हो और कुछ कॉमेडी सीन्स ऐसे भी जिसमें आपको लग रहा है ज़बरदस्ती आपको हंसाया जा रहा है बट आप हंस नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो है प्लस पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है सीरीज़ के, बट एट दी एंड सीजन 2 सनफ्लावर सीजन 2 इज़ अ परफेक्ट मूवी फॉर यू, आप इसको देख सकते हैं, ये वर्थ हिट है, ज़रूर देखिए। हाँ कुछ थोड़ी बहुत गाली गलौज तो फिर भी बहुत ज़्यादा है, बट ऐसे कोई गलत सीन नहीं है, बट तभी गाली गलौज है। तो मैं तो ये बोलूँगा अगर गाली गलौज चलती है तो ज़रूर से आप देख सकते हैं सीरीज़ को, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आउट ऑफ 5 मैं इसको रेट करना चाहूँगा, 3.5 स्टार्स। अब देखते हैं ये कि आगे क्या होगा, सीजन 3 आएगा नहीं, बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है भाई कि लाओगे या नहीं लाओगे सीजन 3। बाकी अगर बात करें तो इट्स अ वेरी गुड फिल्म, हाँ कुछ एक आध दो सीन्स उस टाइप की आ सकते हैं, बट फिलहाल ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिला। बाकी गाली गलौज है तो अपने रिस्क पर अपने माँ बाप अपने फैमिली के साथ देखना। बस आज के लिए वीडियो चली, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, पहले कंधा दबा दो, एक सब्सक्राइब कर दो, क्या जाते हैं तुम्हारे। टिल देन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।